अमित जी, एक बात और, जब हम बाहर निकलते हैं तो सभी ये पूछते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जीत रहा है, विधानसभा के लिए भी, और ज़्यादा लोग ये पूछते हैं 2019 में अब क्या होगा, लोगों को पता नहीं है। तो अक्सर चर्चा इस बात की होती है कि 2019 में कुछ तो ऐसा ये सरकार करेगी जिसकी वजह से एक बार फिर से कोई लहर पैदा हो जाएगी, जिसमें एक बात ये कही जाती है कि राम मंदिर हो सकता है, उसका कुछ आप कर दें जिससे कि फ़ायदा होगा। दूसरा, कई कई लोग ये भी कहते हैं हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध हो जाए, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, या कुछ ऐसा भी कहते हैं कि कुछ ना कुछ आपके पास कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे कि एक बार फिर से आप एक लहर बनाने में कामयाब हो जाएंगे चुनाव से ठीक पहले। देखिए, चुनाव के लिए युद्ध कराने की कोई जरूरत नहीं है। लहर बनी हुई है। मैं आपको बताता हूं, 5.5 करोड़ गरीबों के घर में गैस का सिलेंडर हमने पहुंचा है, 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचा है, लगभग लगभग 2 करोड़ गरीबों को घर ही दे दिया है, वो 2 करोड़ के अलावा और 2 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई है, 19,000 गांवों में बिजली पहुंचाई है। किसान का अपनी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य से हम सब प्रकार के क्रॉप खरीद रहे हैं। 5 लाख तक का गरीब का हेल्थ का पूरा खर्चा राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर उठा रहे हैं। आप इसकी कल्पना कर सकते हो? एक घर के अंदर धुएं से खाना पकता है और वहां से धुआं गायब होकर गैस आता है, पूरे घर का वातावरण क्या होगा? एक 16-17 साल की बच्ची को खुले में शौच करने के लिए जाना पड़ता है, उसके घर के पास उसको टॉयलेट मिल जाएगा, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या बढ़ोतरी होगी, आप कल्पना कर सकते हैं? एक सगर्भा माता को इसके बच्चे और उसकी रक्षा के लिए घर पे जाकर कोई आशा वर्कर टीका लगा आती है। इसकी हकारात्मकता सकारात्मकता का आप सोच सकते हो? 70 साल की आजादी के बाद 19,000 गांव ऐसे जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा, आज गांव रोशन हो चुके हैं, वहां शिक्षा पहुंची है, स्वास्थ्य पहुंचा है, रोजगारी पहुंची है। 2022 तक देश के हर घर में हम बिजली पहुंचा देंगे, देश के हर घर में हमने बैंक अकाउंट पहुंचा दिया है, देश की सीमाओं की सुरक्षा को चौक चौबंद करने का काम किया है, देश के हर सैनिक को 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम हमने कर दिया है, ग्रोथ रेट जो 4.4% पर पड़ी थी उसको 8.3% पर ले गए, 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी 6ठे नंबर पर पहुंच गए, 5 नंबर भी पहुंच जाएंगे चुनाव के पहले, आप इसकी कल्पना कर सकते हो? महंगाई आधी हो गई है, बजट का घाटा आधा हो गया है, फॉरेन फंड रिजर्व आज सबसे ज्यादा है, विदेशी मुद्रा का भंडार सबसे ज्यादा है, शेयर बाजार 1.5 गुना बढ़ा हुआ है, देश के अंदर से असुरक्षा और अनिश्चितता का जो माहौल था वो माहौल बदल चुका है। जी, हर महीने घपरे घोटाले करप्शन बाहर आते थे, आज तक एक भी कॉन्क्रीट आरोप हम पर कोई नहीं लगा पाया, आप कल्पना कर सकते हो जनमानस में कितना फर्क आया है? और आप ऐसा मानते हैं कि सारी चीजें देश की 125 करोड़ की जनता के संज्ञान में ही नहीं है? कितना परिवर्तन आया, पहले भाजपा की 6 सरकारें थी, आज 19 सरकार है, पहले 17% पर हमारा शासन था, आज 70% पर हमारा शासन है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? हमारे शासन ने प्रजा का विश्वास जीता है तब जाकर हुआ है, हमारे नेतृत्व ने प्रजा का विश्वास जीता है तब जाकर हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का सम्मान दुनिया के सामने बढ़ाने का हमने काम किया है।